पीएम मोदी आज राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं के साथ करेंगे बातचीत। विजेता को मिलेगा 1,00,000 रुपए का पुरस्कार। अपना दल ने रामपुर की शुआर सीट से दिया हैदर अली खान को टिकट। आजम खान के बेटे के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव। सीएम योगी के खिलाफ राधा मोहन अग्रवाल को लड़ाना चाहते हैं चुनाव। इस सवाल पर अखिलेश यादव बोले, हम बीजेपी परिवार में नहीं करना चाहते झगड़ा। यूपी बीजेपी में सीटों पर फंसे पेच के बीच लगातार बैठकें। बची हुई 208 सीट पर 25 जनवरी को ऐलान संभव। पश्चिमी यूपी में भाजपा ने फिर चला पुराना जिताऊ दाव। समांतर ध्रुवीकरण के साथ इन समूह पर नजर। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में आजमगढ़ में सिंहासन की आंच तेज। सभी 10 सीटों का समीकरण अलग अलग। उत्तराखंड चुनाव के लिए बीजेपी ने बनाया पीएम मोदी, सीएम योगी और हेमंता बिश्वा शर्मा की रैलियों का प्लान। आयोग की छूट का इंतजार। दिल्ली जाने से रोके भारी वाहन, परेशान रहे चालक। 25 की शाम से 26 की दोपहर तक भी रहेगी एंट्री बंद। यूपी चुनाव 2022 में भीम आर्मी के चंद्रशेखर का ओबीसी के साथ कड़वा अनुभव। दोनों नहीं रखेंगे चुनावी ताल्लुकात। इन नेताओं ने पुराने दलों से पकड़ी रफ्तार और नई पार्टियों में शामिल होकर भरी उड़ान। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।